हेलो बच्चों, हमने आपको गणित में पाठ 13 में सबसे लंबा कदम पढ़ाया था, उसका पहला भाग। आज हम आपको उससे आगे दूसरा भाग पढ़ाते हैं इसका। ये देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, बिल्ली का खाना चूहा या दूध। तो हमको इसको क्या करना है, देखना है इस चित्र को अच्छी तरह से और बताना है कि बिल्ली का खाना चूहा या दूध। तो इसमें देखो, चित्र को ध्यान से देखो। उसके बाद जो है, हमने पाठ में क्या पढ़ा था, उंगल के बारे में और बित्ते के बारे में, कि बित्ते से नापना, उंगल से नापना। तो उसी प्रकार हम आज इसको भी देखते हैं उंगलियों से। चलो यहाँ पढ़ते हैं। उंगलियों से चूहे तथा दूध के बीच की दूरी का पता लगाओ। अब बताओ, अब हमने तो नापा, हमने किताब रख करके, लेकिन आपके पास अगर किताब है तो आपको भी अपनी उंगलियों से नाप करके, किसके दूरी चूहे तथा दूध के बीच, ये चूहा है और ये दूध है, तो इसके बीच की दूरी करीबन कितनी होगी। तो मैंने तो अपनी उंगली लगाकर देखा कि यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी होगी। मैंने अपनी उंगली से नापा तो उसमें मैंने एक, मेरी उंगली तो एक उंगली आई, एक मतलब आपकी करीबन करीबन दो आएगी, क्योंकि आपकी उंगलियाँ पतली है। फिर उसके बाद नीचे लिखा हुआ है, बिल्ली चूहे से कितनी दूरी दूर है। अभी आपको देखना है कि बिल्ली चूहे से कितनी दूर है, वो भी उंगलियों से नापना है। उंगलियां रखिए, उंगलियों से नापना है। तो उसमें देखो, ये चूहा है और ये बिल्ली है, बिल्ली और चूहे की दूरी। तो बिल्ली और चूहे की दूरी तो मैंने जो नापा, तो मैंने करीबन नापा तो चार उंगल थी। मैंने किताब में नापा चार उंगल, लेकिन आपको चित्र में काफी बड़ा नजर आ रहा होगा ना, लेकिन मैंने किताब में नापा तो चार उंगल। कितनी उंगल थी, चार। तो बिल्ली चूहे से कितनी दूरी पर, यहाँ पे मैंने चार लिखा है, चार उंगल। कितनी उंगल, चार उंगल। अब है बिल्ली दूध से कितनी दूरी है, बिल्ली और दूध की दूरी नापो। अब देखो, चूहा हमको थोड़ा दूर नजर आ रहा है, बिल्ली यहाँ से यहाँ, अब बिल्ली ये और ये दूध की दूरी हमको बताना है। तो हमको यहाँ चूहा थोड़ा दूर है तो हमने चार लिखा है, तो बिल्ली और दूध जो है नज़दीक है, तो मेरा करीबन करीबन आया तीन उंगुल। तो मैंने यहाँ पे तीन उंगुल लिखी है। तो आपको भी अपनी उंगलियों से नापना है, क्योंकि मेरी तो बड़ी उंगलियाँ हैं, आपकी जो है छोटी है। उससे आगे है, बिल्ली सबसे पहले किसके पास पहुँचेगी, ये आपको अंदाजा लगाना है, चूहे या दूध के कटोरी के पास। अब देखो, बिल्ली चूहे से कितनी उंगुल दूर है, चार उंगुल। बिल्ली दूध से कितनी उंगुल दूर है, तीन उंगुल। तो बिल्ली सबसे पहले किसके पास पहुंचेगी, चूहे के पास, नहीं कटोरी के पास। कहाँ पहुंचेगी, दूध की कटोरी के पास, क्योंकि दूध की कटोरी क्या है, सिर्फ तीन उंगुल दूर है, इसीलिए कहाँ पहुंचेगी, दूध की कटोरी के पास। ये देखो, दूध की कटोरी के पास पहुंचेगी, ठीक है, ये आपने यहाँ पे लिखना है। चलो उससे आगे है प्रश्न, क्या चूहा अपने आप को बचा सकता है, कैसे चूहा अपने आप को कैसे बचाएगा, क्योंकि जब बिल्ली दौड़ करके आएगी, ये यहाँ से बिल्ली अगर दौड़ करके आएगी, चूहा तो जो है चार उंगुल दूर है और दूध जो है तीन उंगुल दूर है, तो दोनों जो है, दूध और बिल्ली दोनों जो है चूहे का, सॉरी चूहा और दूध जो है बिल्ली का फेवरेट खाना है। तो सबसे पहले बिल्ली अगर दौड़ करके आएगी तो सबसे पहले तो वो कहाँ पहुँचेगी, दूध की कटोरी पे। तो सबसे पहले जो दूध की कटोरी पे पहुँचेगी, तो यहाँ पे दूध जब तक पिएगी तब तक चूहा जो है मौका देख करके भाग जाएगा। क्या होगा, भाग जाएगा। तो स्थिति ये है, क्या चूहा अपने आप को बचा सकता है, कैसे। हाँ तो हाँ, बचा सकता है। कैसे, कि बिल्ली जब तक उसके पास आती है, क्योंकि चार उंगल दूर है, तो तब तक वो दूध, वो तीन दूध जो है तीन उंगुल दूर है, तो वो दूध पिएगी, और जब तक बिल्ली दूध पिएगी तब तक चूहा भाग जाएगा। अब नीचे हैं, इस चित्र के आधार पर कहानी सुनाओ। अब बताओ, अब कहानी भी हमको सुनानी है, इसको चित्र को देखो ध्यान से। इसमें जो है एक घर बना हुआ है, एक बिल्ली है और ये चूहा है, ये दूध है। अब इसमें हमको चित्र में देख करके एक कहानी बनानी है। अब तो चलो बनाते हैं। एक घर है, उसमें एक बिल्ली रहती है, एक चूहा भी रहता है वहाँ पे, और बिल्ली को दूध बहुत पसंद है। बिल्ली को हमेशा खाने के लिए घर वाले क्या देते हैं, पीने के लिए दूध देते हैं। कभी कभी वहाँ चूहा भी आ जाता है, तो बिल्ली कभी कभी चूहे के पीछे भी दौड़ती है। तो
जब बिल्ली बिल्ली चूहा जो है जहाँ पर दूध की कटोरी रहती रखती रखी रहती है किनारे पे, वहीं पर उसका बिल है। तो बिल्ली जैसी चूहे को पकड़ने के लिए भागती है, उससे पहले वहाँ पर उसको कटोरी दिखती है और वो दूध पीती है, इसीलिए कभी भी चूहे को नहीं पकड़ पाती है। हो गई बच्चों कहानी, आपकी कहानी यहाँ पे खत्म। चलो आगे पढ़ते हैं। चूहे की पूंछ कितनी लंबी है? अब चूहे की पूंछ की लंबाई बताओ। ये देखो इतनी लंबी है, तो किताब में मैंने नापा, तो मैंने किताब में नापा तो मुझे 3 उंगली लगी। कितनी लगी? 3 उंगल। तो मैंने यहाँ पे लिखा 3 उंगल। फिर है लंबी मूछें, ये देखो मूछें बनी हुई है ना, किसकी है? चूहे की या बिल्ली की? चूहे की मूछें देखो और बिल्ली की देखो। चूहा तो छोटा है, उसकी मूछें छोटी होगी, तो बड़ी मूछें किसकी होगी? बिल्ली की। तो बड़ी मूछ किसकी है? बिल्ली की। हमको यहाँ पे बिल्ली लिखना है। चलो अब उससे आगे नापो और बताओ। अब ये भी वैसे ही है कि नाप करके हमको बताना है। इसमें देखो नीचे ये पूरा पहले चित्र देखो, ये चींटी है, ये पत्थर दिख रहा है, ये बंदर है पेड़ पर चढ़ा हुआ। नीचे कुछ प्रश्न लिखे गए हैं। पत्थर से 2 उंगली की दूरी पर एक पत्ता बनाओ। पत्थर कहाँ पर है? ये है, तो पत्थर की 2 उंगल की दूरी पर, तो हमने यहाँ पर नापा, तो यहाँ पर हम एक पत्ता बनाएंगे। देखो मैं तो बना रही, चित्र में बराबर नहीं बनना है, लेकिन आप लोग बनाओगे। ये यहाँ पर पत्ता। फिर उसके बाद है बंदर से 5 माचिस की तीली की दूरी पर एक केला बनाओ। अब बंदर ये है, ये बंदर है, तो हम 5 उंगल अगर दूर नापे, वो तीली नापेंगे, माचिस की तीली, तो यहाँ से नाप करके यहाँ तक करीबन पहुँचेगा। तो यहाँ पर आपको बनाना है केला। यहाँ पर क्या बनाना है आपको? केला। मैं लिख रही हूँ, आप बना लेना। चलो उससे आगे है प्रश्न। पत्थर से 7 उंगली की दूरी पर एक पतंग बनाओ। अब पत्थर कहाँ है? ये पत्थर है। पत्थर से 7 उंगुल दूर। 7 उंगली दूर मतलब हमने ऐसे नापा नापा। उंगली कैसे नापेंगे? अंगुली के ऊपर, अंगुली की अंगुली के ऊपर, अंगुली को लंबाई में नहीं, ऐसे गोलाई में नाप करके एक पतंग बनाओ। चलो यहाँ पर मान लो यहाँ पर पहुँचे हम लोग, एक पतंग बनाए हमने। ये देखो ये बनी पतंग, टेढ़ी मेढ़ी बन रही, लेकिन जो भी है पतंग बन रही है, ये बनी पतंग। उसके बाद है अगला प्रश्न है, पतंग से 3 माचिस की तीलियों की दूरी पर बादल बनाओ। पतंग कहाँ है? पतंग ये है। 3 माचिस की तीलियों की दूरी, अब यहाँ से हम माचिस की तीलियाँ नापेंगे तो करीबन यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर हम बादल बनाएंगे। ये देखो बादल हमने बना दिया है, ये यहाँ पर ये बादल आ गया। उसके बाद है केले से 4 उंगली की दूरी पर एक चिड़िया बनाओ। ये लिखा है ना, केले से 4 उंगली की दूरी पर एक चिड़िया बनाओ। केला कहाँ है? ये केला है, हमने यहाँ पे लिखा है केला से जो है कितनी उंगली? 4 उंगली। 4 उंगुल दूर हम करीबन यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर हमने एक चिड़िया बनानी है। तो चिड़िया हम बनाते हैं, कैसे बनती है? जैसे ही बनेगी, चलो हम चिड़िया बनाते हैं। चलो ये चिड़िया की पूंछ। चलो अब हमने बना दी चिड़िया। इसी प्रकार बच्चों आप लोगों को भी करना है, जो किताब में दिया गया है, उंगल से, माचिस की तीली से, उससे बनाना है नाप करके। इस पन्ने पर अपना चित्र कहीं भी बनाओ और पता करो कि तुम बंदर की नाक से कितनी दूरी पर हो। अब बताओ, आप चित्र बनाना है, बंदर की नाक कहाँ है? ये है। और हमारे पास जगह का है, यहाँ पर बची है, तो यहाँ पर अगर हम अपना चित्र बनाते हैं ऐसे करके। चलो हमने चित्र बना दिया। चलो ये बना दिया, मान लो इस चित्र बन गया। और बंदर की नाक का है यहाँ, तो यहाँ से हमको उंगल से नापना है। किससे नापना है? उंगल से, उंगली से। यहाँ से हम नापते हुए ऐसे ऐसे से नापते हुए आएंगे और यहाँ पर बताएंगे यहाँ पर कि कितनी उंगली दूर है, वो आपको नाप करके बताना है। चलो आगे पन्ने पे चलते हैं। क्या ऐसा है? ये प्रश्न पूछा गया है। संजू और उसके दोस्त यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके शरीर के
विभिन्न भाग कितने लंबे हैं, उन्होंने यह पता लगाया। देखो हम भी पता लगा सकते हैं ये लोग किस प्रकार लगाए। देखे मेरा मुंह एक बित्ते भर लंबा है। भाई हम अपने हाथ से नापेंगे, अपने अंगूठे से अपनी जो छोटी वाली उंगली है उसका किनारे से हम अपना मुंह नाप सकते हैं कि हमारा मुंह कितना बड़ा है, क्योंकि कई बच्चों का मुंह जो है लंबा होता है तो उनका थोड़ा बड़ा होता है और कईयों का छोटा होता है। देखो ये लड़की बोलती है मेरा माथा करीबन 4 उंगल चौड़ा है। अपने माथे को नापो, किसी का चार की माथा चौड़ा होता है, किसी का कम होता है तो उसका 4 है। तो ये बोलता है मेरे हाथ मेरे पैर जितने लंबे नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पैर जो है लंबे होते हैं, पैरों की लंबाई के हिसाब से हमारे हाथ की लंबाई कम होती है। अब नीचे देखो पूछा प्रश्न लिखे हैं, जो उन्होंने कहा क्या तुम भी वैसा ही मानते हो? हाँ मानते हैं, लेकिन कई कई क्या होता है, छोटे बच्चे जो है आपके दोस्त जो कोई होते हैं उनका कोई छोटा होता है तो उनका मुंह छोटा रहता है तो उनके बित्ते से भी कम छोटा मुंह होता है, तो उसको फिर अंगुल से नापा जाता है। पता करो तुम्हारे कितने दोस्तों का एक बित्ता लंबा मुंह है, पैर के बराबर हाथ है, 4 उंगुल चौड़ा माथ है। देखो बच्चों एक बित्ता लंबा मुंह उन बच्चों का होगा जिनका नॉर्मल होगा, लेकिन जो बच्चे छोटे होते हैं उनका मुंह छोटा, किसी का मुंह गोल होता है तो उसका आकार छोटा होता है। तो आपको अपने दोस्तों का और अपना देखना है कि किसका लंबा है किसका छोटा। पैर के बराबर हाथ, पैर के बराबर हाथ तो किसी के भी नहीं होंगे, होंगे भी उन लोगों के जो जिनकी हाइट में जो छोटे होते हैं, हाथ पैर जो है जिनके छोटे होते हैं। 4 उंगुल चौड़ा माथा, 4 उंगुल चौड़ा माथा, किसी किसी का 4 उंगुल चौड़ा माथा होता है और किसी किसी का उससे भी कम। तुम अपनी उंगलियों से अपने शरीर के दूसरे भागों को नापो और उनके माप को लिखो। अब तुम्हारी नाक कितनी उंगल, अगर नाप को तुम अपनी नाक को तुम सीधी उंगली से नापोगे तो 1 उंगल जितनी होगी, अगर गोलाई के हिसाब से नापोगे तो करीबन 3 उंगल जितना होगा। तुम्हारे कान, कान को भी सीधी उंगली से नापोगे तो 1 उंगली आएगी और अगर गोलाई के हिसाब से नापोगे तो करीबन 3 साढ़े 3 उंगलियाँ आएंगी। चलो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ, अगले वीडियो के इंतज़ार में। धन्यवाद।